और यार मैं जान रहा हूँ कि मैंने इतने टाइम से कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, बट यही रीज़न था कि मैं जो मेरी यहाँ पे आने वाली वीडियो थी, मतलब कि मैं लखनऊ से जब यहाँ आ रहा था तो वो वीडियो मुझे थोड़ी स्पेशल बनानी थी, इसलिए मैंने उसमें अभी भी कुछ भी एडिटिंग करी नहीं है। मेरे पास उसकी क्लिप्स हैं, बट मैंने सोच के रखा है कि उसको थोड़ा तो अलग बनाएंगे, इसलिए वो वीडियो तो शायद से तुम लोगों को थोड़ी दिनों बाद ही मिले। बट मैंने सोचा कि यार अपना अपडेट तो देना चाहिए कि मैं अपने हॉस्टल में आ गया, अपने कॉलेज आ गया हूँ, और भी चीज़ें तुमको दिखाता हूँ। तो इधर जाके सारे रूम्स आ जाते हैं। यहाँ पे ये एक 4 बेड वाला है, ये एक 3 बेड वाला है, वो एक 3 बेड वाला है, और वो मेरा है वो भी 4 बेड वाला है। ये अलग से एक ये 2 बेड का है। ये कॉमन एरिया, एक फ़ैन दिया यहाँ पे, स्विचेस हैं सारे, और वॉशरूम है देख ही सकते हो। 3 बेसिन्स हैं, 1, 2, 3, और नहाने वाली जगह है ये भी 3 है। एक ये हो गई, फिर ये एक कमोड यहाँ पे दिया हुआ है। 3 कमोड हैं टोटल, और 3 नहाने की जगह है, 3 बेसिन है। यहाँ पे कोई अपने कपड़े साफ कर रहा है। तो ये अपने प्रज्वल भाई आ गए। तो अभी चलते हैं, मैं अपना रूम थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और मैं बहुत धीमी आवाज़ में बोलूँगा क्योंकि मेरा रूममेट सो रहा है। तो ये 2 बेड इधर हैं, 2 बेड उधर हैं। इन दोनों ने क्या किया है कि अपना बेड जोड़ लिया है, तो ठीक है भाई, उनकी मर्ज़ी थी। 2 स्टडी टेबल हैं यहाँ पे भी, 2 शेल्फ हम लोग को दिए हैं। इधर से देख लो क्या व्यू आ रहा है। वो एक रेलवे ट्रैक है, तो मतलब यहाँ पे अच्छे खासे इंटरवल पे ट्रेन्स हम लोग को दिख जाती हैं जाते हुए। वो जो बिल्डिंग सामने दिख रही है वहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं, मतलब, और उस साइड अगर जाओगे तो क्लासेस मेरी वहाँ उस बिल्डिंग में होती हैं। बाकी एक ये कबर्ड दिया है, मिरर है, फिर दूसरी तरफ एक और है, तो ही स्लीपिंग राइट नाउ। एक ये शेल्फ है, वो मेरी शेल्फ है, मेरा बेड, मेरा बाल्टी मग्घा, ये सूटकेस, और ये सब है। मेरा एक ये लॉन्ड्री बैग है, और ये मेरी शेल्फ है, सॉरी, ये मेरा कबर्ड है, ये मेरे रूममेट बगल वाले बंदे का है। और इसको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ कि क्या है मेरे कबर्ड में। तो मैंने अपना एक ये सूटकेस यहाँ पे रख लिया था ताकि जो भी मेरे को कपड़ा वपड़ा निकालना हो डायरेक्टली इसी से निकाल लूँ। बाकी तो सब देख ही सकते हो, वो मेरा लैपटॉप, चार्जर, थोड़ी बहुत बुक्स हैं, ये मेरी अटोमिक हैबिट्स है। मैंने सोचा था कि टाइम मिलेगा पढ़ने का, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया है। ये मेरा एक्स्ट्रा पिलो, थोड़ा बहुत इसमें खाने पीने का सामान है, जैसे चिप्स, कुरकुरे हो गया, बिस्किट विस्किट हो गया, और एक और डस्टबिन है, बट अभी तक मैंने उसको खोला नहीं है। ये मेरा हेडफोन्स का डब्बा आया था, मैंने सोचा रखते हैं संभाल के। और मेरे जूते मैंने वहाँ रखे हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम यार क्रॉक्स में स्पेंड करता हूँ, फालतू में जूते गंदे करने का मन नहीं करता मेरा। तो दैट इज़ इट। इधर से ज़्यादा कुछ व्यू आता तो नहीं है। ये दरअसल ब्लॉक पूरा नया है, तो अभी भी देख रहे हो कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। और एक लाइट हमें दी है, एक फ़ैन है, सेंट्रलाइज एसी है वहाँ पे, और एक ये स्टडी लैम्प है जो कि इधर से मैं ऑन करता हूँ। तो ये देखो, एक ये चार्जिंग पॉइंट है। चार्जिंग पॉइंट सिर्फ एक ही है, हर बेड के लिए एक चार्जिंग पॉइंट है, तो मल्टीप्लग का यूज़ करना पड़ जाता है कई बार। सो दैट इज़ इट, अभी तो इतना ही है। क्योंकि ये ब्लॉक अभी नया बना है तो इसमें अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही लिफ्ट चलती है, जिसका मतलब कि लिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी होती है। तो मैं मैक्सिमम टाइम्स अपना जो भी अगर मुझे ऊपर नीचे करना होता है तो सीढ़ियों से ही करना पड़ता है, और मेरा जो ये रूम है ये 8th फ्लोर पे है, तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। ये ऐसे एक पूरा हमारा कॉरिडोर है, ये पूरा 8th फ्लोर है, और ये देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। पर सारा का सारा व्यू ये कंस्ट्रक्शन की वजह से बेकार हो गया है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो देख लो भाई, वो हिल्स की पूरी रेंज है। वहाँ पे जो देख रहा है तुमको वो दरअसल एक स्टेडियम है, वहाँ पे शाम को लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और भी कई स्पोर्ट्स खेलते हैं। वो भी शायद से कोई हॉस्टल है, मतलब कॉलेज तो यार ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, फिर तो क्या ही।
इधर एक वाटर कूलर है, ये इसमें ठंडा पानी आता है, इसमें गर्म और उसमें नॉर्मल। तो अभी तो यही था। यहाँ पे एक बैठने की जगह है, अगर तुम्हें ठंडी ठंडी हवा खानी है तो यहाँ पे तुम बैठ सकते हो। काइंड ऑफ लाइक अ बालकनी है ये। सो दैट इज़ इट यार। अभी तो मैं सही बता रहा हूँ कि मेरी दिन में इतनी सारी क्लासेस होती है ना कि बिल्कुल भी टाइम मिल नहीं पाता है मुझे। बट मैंने सोचा कि इतना दिन हो गया, इतना टाइम हो गया, तो कम से कम अपना अपडेट तो दे दूँ कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ अभी। अभी तो देखते हैं यार। मेरे दरअसल ऐसा समझो कि ये हफ्ता और उसके बाद जो हफ्ता है उसके बाद मेरे लैब के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर मेरे थ्योरी के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो जाएंगे। तो फुल टू वाट लगी पड़ी है, बट कॉलेज है भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो मैं तो यार यही सोच रहा था कि जो मेरी आने वाली वीडियो है जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया कि कैसे मैं लखनऊ से बैंगलोर फिर बैंगलोर से यहाँ आया, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा तो अलग बनाते हैं। उसमें अपन जल्दबाजी नहीं कर सकते और सीरियसली मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया है। कोई भी वीडियो बनाऊँ कुछ भी, अब मतलब एडिट करने तक का टाइम नहीं मिला है। मैं अब जैसे ही घर पहुँचता हूँ वैसे तुम लोग को वो वीडियो मतलब बना के डाल दूंगा। यूट्यूब पे देखना, एंजॉय करना, लाइक करना। पर अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई, हाँ मुझे पता है कि थोड़ी सी छोटी वीडियो थी, बट यार उस पे आई एम वेरी सॉरी उसके लिए। बट यार अभी ऐसे ही हो पाएगा, मैनेज करना पड़ेगा मुझे भी थोड़ा बहुत। तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर किस्मत ने साथ दिया तो अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे।